नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स, कल ममता चैप्टर से हमने ये पढ़ा था कि वो जो दीप आलोक में यानी कि दिए के प्रकाश में वो वृद्धा जो थी वो स्त्री थी। स्त्री कौन थी? ममता थी। तो वो श्लोक पाठ कर रही थी, वो यानी उसका पाठ कर रही थी। और यहाँ पे हमने इस चैप्टर को ख़त्म किया था, तो आज यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। अनन्या श्री वंतयंतो माम ये जना पद्युपासते, ये वो पाठ जैसे ही कर रही थी और पाठ रुक गया। अब यहाँ पर देखिए आप, पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। भीषण और हताश, हताश यानी मायूस हो जाना और भीषण यानी बड़ी गंभीर, राइट। आकृति यानी एक परछाई दीप के मंद प्रकाश में, जब दिया जलता है और उसका मंद यानी धीमा, मंद का मतलब होता है धीमा, थोड़ा कम, तो थोड़ा कम उजाला जब होता है तो एक जैसे हमारी भी परछाई पड़ती है, तो वैसी एक आकृति यानी कि एक परछाई सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा। कपाट का मतलब होता है दरवाज़ा, डोर। उस दरवाजे को उसने बंद करना चाहा कि मैं इसको बंद कर दूं, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। लेकिन उस व्यक्ति ने क्या बोला कि माता मुझे आश्रय चाहिए, यानी कि मुझे यहाँ पर रुकने दो क्योंकि मैं किसी संकट में हूँ। ये उसने बोला नहीं, लेकिन उसका जो हताश चेहरा था उससे ये भाव प्रकट हो रहा था कि वो प्रॉब्लम में है और वो ये बोलना चाहता है कि माता मुझे आश्रय दो, यानी मुझे आप यहाँ पर रहने दो, ऐसा, राइट। स्त्री तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। स्त्री ने क्या पूछा कि तुम कौन हो? मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। यानी उसने ये बोला कि चौसा युद्ध जो था उसमें शेर शाह जो था उससे मैं हार गया हूँ, यानी विपन्न हो गया हूँ, यानी उससे हार गया हूँ, और उससे हार करके मैं यहाँ पर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ और मेरे शरीर पे इतने सारे घाव हैं कि मैं अब आगे चलने में असमर्थ हूँ, अनकैपेबल हूँ, राइट। तो शेरशाह कौन था? इसमें बताया गया कि उसका जो पिता था, ममता का पिता चूड़ामणि, तो शेरशाह ने ही उसके पिता की हत्या की थी, है ना। तो अब शेरशाह का नाम सुना, इसलिए क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने होंठ काट लिए, यानी कि वो एकदम सरप्राइज हो गई कि शेरशाह ने ऐसा किया है, ऐसा वो घबरा गई। ठीक, हाँ माता, यानी हाँ माता शेरशाह ने, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। यानी क्या बोला कि लेकिन वो तो क्रूर है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे, तुम्हारे ये जो बॉडी पे जिस तरह से जख्म लगे हैं, तो तुम भी उतने ही क्रूर हो। क्रूर यानी निर्दयी। वही भीषण रक्त की प्यास, भीषण यानी गहरी, रक्त यानी खून, खून की प्यास यानी तुम भी सबका खून कर डालने वाले, सबको मार डालने वाले तुम भी वैसे ही हो। वही निष्ठुर प्रतिबिंब, निष्ठुर यानी निर्दयी, प्रतिबिंब यानी परछाई, जैसी वो शेरशाह है निर्दयी, वैसा ही तुम भी वैसे ही निष्ठुर प्रतिबिंब हो। तुम्हारे मुख पर भी हे सैनिक, यानी और हे सैनिक तुम्हारे चेहरे पर भी वैसा ही भाव दिखता है जैसा शेरशाह के मुख पर है। इसीलिए मेरी कुटी में स्थान नहीं, इसलिए मेरी जो कुटिया है उसमें तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है। जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो, यानी यहाँ से चले जाओ और दूसरा कोई आश्रय खोज लो, यानी कहीं और पर रहने चले जाओ। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर गए हैं, इतना थका हुआ हूँ, इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम्म से बैठ गया। यानी उस व्यक्ति ने ऐसा बोला कि गला सूख रहा है, यानी प्यास लग रही है तो गला सूख रहा है, मेरे साथी भी छूट गए, यानी हम सब साथ चल रहे थे लेकिन मेरे साथी भी छूट गए हैं, अश्व गिर गए हैं, अश्व गिर गए यानी इतनी युद्ध में लगी है कि मेरे घोड़े भी गिर गए। अश्व का मतलब होता है घोड़ा, ओके। इतना थका हूँ ऐसा बोल रहा था और ऐसा बोलते बोलते ही वह दम से गिर गया। उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा,
पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा। ब्रह्मांड का मतलब था पूरी गैलेक्सी। तो जब ममता के सामने सारी विपदा आई थी वो सारा उसको याद आ गया और इसको ब्रह्मांड घूमने लग गया, यानी चक्कर आने लग गए। स्त्री ने सोचा यह विपत्ति कहाँ से आई। उसने जल यानी कि उसने ये सोचा कि ये विपत्ति कहाँ से आई, राइट। विपत्ति का मतलब होता है परेशानी। तो वो ये सोचने लगी कि मेरे पास ये परेशानी कहाँ से आई। ऐसा सोच करके उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। अब उसने पानी दिया तो उसको थोड़ी शांति पड़ी, उसको आश्रय दिया तो मुगल के प्राण यानी वो मुगल था जो, वो मुस्लिम जो था, जो सैनिक था, उसके प्राणों की रक्षा हुई, क्योंकि पानी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसको थोड़ा पानी मिल गया तो उसको थोड़ी राहत मिली। बस सोचने लगी कि ये सब दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई घृणा से उनका मन विरक्त हो गया। यानी कि उसने पानी तो दिया लेकिन वो ये सोचने लगी कि ये सब मेरे पिता जो हैं उनका वध करने वाले हैं, ये जो लोग हैं जिन पर मैंने दया की है वो दया के पात्र है ही नहीं, राइट। ये त्रास देने वाले, आतताई यानी पीड़ित करने वाले, त्रास देने वाले, वो घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। विरक्त हो गया यानी भर गया, उसका मन इतना घृणा यानी नफरत हो गई उसको ये सब देख के कि ऐसे लोगों की मैं मदद कर रही हूँ लेकिन इन्हीं लोगों की वजह से मेरे पिता की हत्या हुई है। तो ऐसा सब वो सोच कर यानी सोच रही थी। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ। यानी जब वो ऐसा बोल रही थी अंदर के अंदर, तो जब वो ठीक हो गया तो उसने बोला मुगल ने कि तो ठीक है अब मैं यहाँ से चला जाऊँ क्योंकि तुमको प्रॉब्लम हो रही होगी। ऐसा स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपना धर्म अतिथि देवों के सत्कार का पालन करना चाहिए। यानी उसने क्या सोचा कि मैं तो ब्राह्मण हूँ और ऐसे ही हमारा कल्चर क्या बोलता है कि अतिथि देवो भव, यानी जो अतिथि होता है वो देवता के समान होता है, वो मेहमान के समान, भगवान के समान होता है मेहमान, इसलिए उसको मैं घर से जाने का नहीं बोल सकती, राइट। तो मुझे अपना ये जो धर्म है अतिथि देव के सत्कार का यानी अतिथि को देव मानने वाला, वो मुझे निभाना चाहिए और उसका मुझे पालन करना चाहिए। परंतु यहाँ नहीं नहीं, ये सब दया के पात्र नहीं है। यानी कि एक तरफ उसका मन ये बोल रहा है कि मैं ब्राह्मण हूँ और मुझे अतिथि का, अतिथि देव का जो सत्कार होता है उसका पालन करना चाहिए, लेकिन एक तरफ उसको ये भी फील हो रहा है कि ये लोग दया के पात्र है ही नहीं क्योंकि उनके ये जो पिता यानी ममता के जो पिता थे वो उन्हीं की वजह से उनकी मौत हुई थी। इसलिए एक बार उसको ये लगता है कि मैं उसको आश्रय दूँ और एक मन ये बोल रहा है कि नहीं ये दया के पात्र नहीं है। परंतु यह दया तो नहीं कर्तव्य है। यानी अब उसको ये लगा कि मैं यहाँ पर रख, अगर मैं उसको यहाँ पर आश्रय दूँ तो ये दया नहीं है, ये मेरा कर्तव्य है, राइट। कर्तव्य क्या है कि उसको अतिथि को देव मानना है, तो ये उसका कर्तव्य है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। यानी तब उसको मुगल ने क्या किया, अपनी तलवार को टेक करके यानी उसका सहारा लेकर के, क्योंकि उसको खड़ा होने, जख्मी हो गया था तो खड़ा नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो तलवार के सहारे उसको सहारा लेकर के वो खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल ना करो। यानी उसने बोला कि इसमें आश्चर्य की क्या बात है कि तुम भी छल यानी धोखा ना करो, हो सकता है तुम भी धोखा करो, राइट। ठहरो यानी रुको, छल नहीं तब नहीं स्त्री। यानी उसने क्या बोला कि छल नहीं होगा स्त्री के साथ, यानी आपके साथ छल कपट धोखा नहीं होगा। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, जाता हूँ, भाग्य का खेल। यानी वो क्या बोल रहा है कि तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, यानी कि मैं तो तैमूर का वंशधर हूँ, क्या मैं एक किसी स्त्री के साथ धोखा करूँगा, ऐसा नहीं होता है, ये तो भाग, आपके साथ अगर कुछ हुआ है वो भाग्य का खेल है, ऐसा बोल करके वो चला जाता है। ममता ने कहा, यहाँ कौन दुर्ग है, यह यही झोपड़ी न, जो चाहे ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। यानी उसने क्या बोला, ये कौन सा दुर्ग है, ये झोपड़ी तो है ना, जो चाहे ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। जाओ भीतर थके हुए पतिख, तुम चाहे कोई भी हो मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। उसने भीतर यानी अंदर, उसने क्या बोला कि जाओ तुम अंदर चले जाओ, तुम जो भी हो मैं तुम्हें आश्रय दे देती हूँ, यानी कि मैं तुम्हें यहाँ पर रुकने की परमिशन
दे देती हूँ। सब अपना धर्म छोड़ दें तो क्या मैं भी अपना धर्म छोड़ दूँ? यानी अगर सब अपना धर्म छोड़ देते हैं तो मैं भी अपना धर्म छोड़ दूँ? ऐसा नहीं हो सकता है। मैं अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का पालन करूँगी। इसीलिए तुम जाओ अंदर और अपना आश्रय, यानी कि अंदर जाकर बैठो या आश्रय लो, ऐसा उसको बोला। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिलामय मुखमंडल देखा और उसके मन ही में नमस्कार किया। मुगल ने, यानी वो जो मुगल आया था वहाँ पर, उसने चंद्रमा के मंद प्रकाश में, अब ऐसे तो अंधेरा था, दिया भी थोड़ा थोड़ा लग रहा था, तो उसने चांद का जो प्रकाश पड़ता है उसमें उस महिमामय यानी वो दयालु जो औरत थी उसका मुखमंडल देखा, यानी उसका चेहरा देखा, और मन ही मन उसको नमस्कार किया यानी प्रणाम किया। क्यों प्रणाम किया? क्योंकि उसने उसको किस नाम से बुलाया था? माता, माता करके संबोधित किया था, इसलिए उसने मन ही मन प्रणाम किया। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई और वहाँ पे उसको रखने दिया, इसलिए उसने क्या किया, पास की एक दूसरी टूटी दीवार थी, खंडर था, तो वो वहाँ पर चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया, यानी भीतर का मतलब होता है अंदर, तो अंदर क्या किया उस पथिक ने? विश्राम किया यानी आराम किया। ओके, अब यहाँ पर देखो, प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर स्वयं को कोसने लगी। यानी प्रभात में खंडहर की संधि में, संधि यानी खंडहर जॉइन होती है जहाँ पर, संधि यानी कि बीच में एक थोड़ा सा गैप होता है, तो उसने प्रभात यानी सुबह में खंडहर होता है उसके बीच में से उसने देखा कि सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे, यानी कि उस देश में तो सैकड़ों, कई सारे घोड़े पर चढ़ के लोग, ये जो सैनिक है वो घूम रहे हैं। तो वह अपनी मूर्खता पर स्वयं को कोसने लगी। उसको क्या लगा? यह बेचारा अकेला है तो इसको मैं आश्रय दे दूँ। लेकिन सुबह जब पता चला कि वो अकेला नहीं था, इतने सारे सैनिक उसके साथ थे, तो खुद को कोसने लगी कि ये मैंने क्या पागलपन कर दिया, राइट? एकाएक झोपड़ी से निकल कर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ, राइट? तो एकाएक उस झोपड़ी से निकल कर उस पथिक ने, यानी जो वहाँ पर आया था पथिक, एक पथिक, पथिक कौन? तो एक राहगीर जो बाहर से आया अंदर कि मिर्जा मैं यहाँ हूँ। मिर्जा किसके लिए बोला? वो जो अंदर आश्रय ले रहा था उसके लिए बोला, ये उसका सैनिक होगा, तो उसने आकर बोला मिर्जा मैं यहाँ हूँ। यह शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। जैसे ही उसने बोला कि मैं यहाँ हूँ, तो पूरी जो प्रांत था, पूरा वो जो गांव देश जो था, वो पूरा प्रसन्नता से गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई और ममता डर गई। क्यों क्यों डर गई? क्योंकि इतना सारा वहाँ पे आवाज़ होने लगी, वो सब गूंज गया, इसलिए वो डर गई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है? उसे खोज निकालो। अब उसने उसको रहने के लिए दिया, लेकिन वो उसको पूछ रहा है कि वो स्त्री कहाँ गई, कि वो डर गई थी इसलिए वो चली गई कि ये मुझे मार डालेंगे, इसलिए उसने बोला कि वो स्त्री कहाँ गई, उसको खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई यानी कि उसकी इच्छा हुई। तो जैसे ही उसने ये आवाज़ सुनी कि उसको खोज निकालो, तो उसको और भी इच्छा हुई छुपने की। वह मृगदाव में चली गई यानी कि वो मृग जितना फास्ट दौड़ता है उसी तरह वो फटाफट कहीं पर चली गई। दिन भर उसमें से न निकली और पूरा दिन उसमें से वो निकली ही नहीं, यानी कि वो एक जगह पे छुप गई जहाँ से वो निकली नहीं। संध्या हो गई, वे लोग जाने लगे। संध्या हो गई यानी कि शाम हो गई और वो लोग अब जाने लगे। ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका, उसका घर बनवा दे रहा, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था, यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वो वहाँ से चले गए। यानी कि उसने क्या बोला कि उसका मैंने आश्रय लिया है, इसलिए यहाँ पर उसके लिए ये जो झोपड़ी है यहाँ पर उसका घर बनवा देना और इस स्थान को कभी भी भूलना मत, ऐसा उसने बोला। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। एक दिन वह अपनी झोपड़ी में पड़ी थी। अब बहुत टाइम निकल गया, उसके बाद वापस से इस कहानी स्टार्ट होती है। शीतकाल का प्रभाव था, यानी कि सर्दी की ऋतु थी, ठंड की का सीजन था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। जीर्ण कंकाल, कंकाल का मतलब बॉडी में सिर्फ हड्डियाँ बचती है, और जीर्ण यानी बूढ़ा, तो उसका जो बूढ़ा शरीर था वो खांसी से गूंज रहा था, यानी खांसी उसको हो रही थी।
ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां घेर कर बैठी थी। गांव में 2-3 स्त्रियां थी, औरतें, वो उसको लेकर के बैठी थी कि बेचारे बीमार है तो उसको कोई देखभाल करे ऐसा, क्योंकि ममता आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही थी। अपना हम जब किसी की हेल्प करते हैं तो कोई हमारी हेल्प करता है, हमने अगर किसी की हेल्प नहीं की है तो हमारी हेल्प कौन करेगा, राइट। तो ममता सबके जीवन में सुख दुख के साथ ही सहभागिनी बनती थी, इसीलिए उसके भी जीवन में सुख और दुख, उसके दुख को बताने के लिए वो स्त्रियाँ आई थी। ममता ने जल पीना चाहा, एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सीपी यानी वो जो सीपियाँ होती है ना, जो समुद्र के किनारे पे मिलती है, वो उससे उसको पानी पिलाया। सहसा एक अश्व आरोही उस झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। सहसा यानी अचानक, तो वो मरने की अबाउट टू डाई थी और तभी एक अश्व आरोही घोड़े पर चढ़कर, यानी कि घोड़े पर चढ़कर आया और उसके झोपड़ी के दरवाजे पर आकर उसको दिखाई दिया। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इस जगह का होना चाहिए, यानी कि उसने बोला था कि इसके लिए घर बनवा देना, तो वो बोल रहा है कि अब वो जो अकबर जो हुमायूं था वो उसने अपने मिर्जा से कहा, यानी उसने उसके सैनिक से कहा, अब सैनिक ने किसी और को दिया वो नक्शा, तो उसने बोला कि मिर्जा ने जो चित्र बना के दिया है वो तो, यानी जो एक लोकेशन भेजा है वो तो यही दिख रहा है, वह बुढ़िया तो मर गई होगी, अब किससे पूछूँ कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। उन्होंने क्या बोला कि ये वो बुढ़ी तो मर गई होगी, अभी यहाँ पे पूछूँ किसको कि हुमायूं ने किसका आश्रय लिया था। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर हो गई, यानी राजा ने तो बोला कि ऐसा करना लेकिन उसके सैनिक ने नहीं किया, फिर उसके सैनिक ने उसके सैनिक को ऑर्डर दिया, तो ऐसे करते करते 47 ईयर्स निकल गए, राइट। ममता ने अपने विकल कानों से सुना, उसने पास की स्त्री को कहा उसे बुलाओ। विकल यानी कमजोर कान थे लेकिन उसमें आवाज़ पड़ी तो उसने बोला कि उसको बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इस झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था, भगवान ने सुन लिया, आज मैं इसे छोड़ जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम में जाती हूँ। यानी उसने क्या बोला कि अब मुगल ने तो यहाँ पर घर बनाने का बोला था मगर यहाँ पर कुछ बना ही नहीं, अब मैं तो मर रही हूँ, तो अब तुम जानो यहाँ पर जो भी करवाना है वो तुम कराओ, मैं क्या करूँ, मैं तो अब जा रही हूँ, मेरे तो अब प्राण जाने वाले हैं, तो ये रक्षा यानी कि तो मैं तो अब जा रही हूँ, इसलिए फिर क्या हुआ, बुढ़िया के प्राण पखेरु उड़ गए यानी कि वो मर गई। वह अश्वारोही अवाक खड़ा रह गया, अवाक यानी ऐसे ही देखता ही रह गया कि ये क्या हो गया। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया, शिलालेख यानी पत्थर का एक बोर्ड उस पर लगाया। सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था, उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि हुमायूं ने अपने जो सैनिक थे उनको बोला था, उनके सैनिक ने उसके सैनिक को बोला, ऐसे कर करके बाद में ये तो पता चला कि हुमायूं ने यहाँ पे आश्रय लिया था, लेकिन उसको आश्रय किसने दिया था वो किसी ने किसी को बताया नहीं। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि हमें जो काम करना है वो हमें खुद को करना चाहिए, ना कि हमें किसी और को सौंपना चाहिए। अगर हम किसी और को सौंपते हैं तो हमें फॉलोअप लेने चाहिए कि क्या ये काम हुआ या ये कितनी प्रोसेस में हो रहा है। जब हम किसी पे कुछ छोड़ देते हैं तो अब यहाँ पे देखो 37 ईयर्स निकल गए, तब तक अब बुढ़ी तो वो मरने को आई, तब जाके वो घर बनवाने आया, लेकिन जब वो घर बनवाने आया तब तो वो मर चुकी, यानी मरने वाली थी, और जैसे ही उसके आते ही वो तो बोल के मर भी गई, राइट। तो वो मर गई, उसके बाद किसी ने उस मंदिर पर यानी जो गगनचुंबी मंदिर बनवाया था वहाँ पर उस शिलालेख पर सबके नाम थे लेकिन ममता का, यानी जिसने वो आश्रय दिया, जिसने जो वो प्लेस में रही और जिसने परमिशन दी, उसका कहीं पर कोई जिक्र नहीं हुआ, राइट। तो आज हमारा ये चैप्टर, ये सिलेबस यहाँ पे ख़त्म होता है स्टूडेंट्स। अब से हम सेकेंड सेमेस्टर की पढ़ाई करेंगे, आई होप। अब यहाँ पे शब्दार्थ देखिए, प्रकोष्ठ यानी भवन या कमरा मैंने बताया था आपको, तीर्ण गुल्म यानी घास का समूह, तीक्ष्ण यानी तेज, प्रवाह यानी बहाव, वेदना यानी पीड़ा, विकल यानी बेचैन, व्यथित यानी पीड़ित, दुहिता यानी पुत्री,
विकीर्ण होना यानी फैल जाना, उत्कोच यानी घूस और रिश्वत, चार दीवारी प्राचीर यानी चार दीवारें जो होती है उसको प्राचीर बोलते हैं, विभूति यानी समृद्धि, विपन्न यानी संकटग्रस्त, आतताय यानी अन्यायी, विरक्त यानी खिन्न, दुखी, जीर्ण यानी बूढ़ा, राइट। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे।